हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है, एरर इंटरनेट डिसकनेक्टेड, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं विंडोज़ पीसी में से, तो यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है गूगल क्रोम ओपन करना है आपके पीसी में। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल बॉक्स में आपको चेक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम रेंज को जो है ऑल टाइम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क रिसेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर रिसेट नाउ के ऊपर क्लिक कर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर विंडोज़ के ऑल नेटवर्क जो है वो रिसेट हो जाएंगे। उसके बाद आप सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से कमेंड टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमेंड टाइप करना है इस तरीके से, फिर आप इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर से कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कर देना है, फिर आप यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर इसकी प्रॉपर्टी में आना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, फिर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर। फिर आपको यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है और यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पर क्लोज कीजिए, ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली गूगल क्रोम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।